आज मैं आपको बताऊंगी महिला क्रांतिकारियों के बारे में, जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में खुद का बलिदान दे दिया। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में बताऊंगी। साल 1920 के आसपास का समय वह था जब क्रांतिकारी आंदोलनों में छात्र छात्राओं की सक्रियता बढ़ रही थी, खासकर की बंगाल में, जहाँ सिर्फ लड़के नहीं बल्कि युवा लड़कियाँ भी एक सीमा को पार करके आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, धरने देना, स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त संदेश पहुँचाना और यहाँ तक कि उनके लिए हथियार इकट्ठे करना करके पहुँचाना, ये सब काम भारत की बेटियाँ निर्भीक होकर कर रही थी। हर विद्यार्थी किसी न किसी क्रांतिकारी दल से जुड़ा था और ब्रिटिश अफसरों को मार गिराने के लिए तत्पर था। 21 साल की बीना दास ने जब बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर भरी सभा में गोलियां चलाई तो इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस लड़की के साहस ने न सिर्फ अंग्रेजों के दिलों में डर भरा बल्कि स्त्रियों के प्रति भारतीयों की रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दी। बीना दास की ही तरह और भी न जाने कितनी ही बेटियां थी भारत की, जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई। कारावास की यातनाएं सहने से लेकर सीने पर गोली खाने तक किसी भी अंजाम से वे पीछे नहीं हटी। भारतीय क्रांतिकारी वीरांगनाएं किताब में रामपाल सिंह और विमला देवी ने लिखा है कि यह वह दौर था जब अंग्रेजी अफसर बंगाल में अपनी पोस्टिंग होने से डरने लगे थे। कई अफसरों ने अपना तबादला कराने के लिए सिफारिशें की क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ कोई भी विद्यार्थी उन्हें कभी भी गोलियों से भून सकता है। हमारे इतिहास की कमी यह है कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की नींव जिन लोगों ने रखी, उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही सही पहचान मिल पाई। अन्य क्रांतिकारी और विशेषकर महिला क्रांतिकारियों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों से नदारद हैं। ऐसा ही एक नाम और है, वनलता दास गुप्ता। बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है इस वीरांगना के बारे में। कुछ तथ्यों के मुताबिक उनका जन्म साल 1915 में विक्रमपुर, जो अब की ढाका में है, में हुआ था। वनलता को बचपन से ही सांस की बीमारी थी, लेकिन उनकी बीमारी कभी भी उनके राष्ट्रीय प्रेम के बीच ना आ सकी। वनलता पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और बाकी सारी चीज़ों में भी व्यस्त रहती थी। उनकी बीमारी की वजह से उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे घर से बाहर जाए, लेकिन बचपन से ही सेनानियों की गाथा सुनने वाली वनलता का मन था कि वह भी अन्य छात्र छात्राओं के साथ मिलकर राष्ट्र की सेवाएं करें। उन्होंने जैसे तैसे साल 1933 में कॉलेज में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ उनका संपर्क बहुत से क्रांतिकारियों से हुआ और धीरे धीरे उनके दलों का हिस्सा बन गई। अन्य छात्रों की तरह वह भी जरूरी सूचनाएं और गुप्त संदेश सेनानियों तक पहुँचाती। उन्होंने रिवॉल्वर चलाना भी सीखा और उनके पास खुद की भी एक रिवॉल्वर रहती थी। बताया जाता है कि हॉस्टल में वह अपना रिवॉल्वर अपने एक दोस्त ज्योति कणा दत्त के कमरे में छिपाकर रखती थी। एक बार हॉस्टल में चोरी हुई और सभी छात्राओं के कमरे की तलाशी ली गई। ज्योति कणा के कमरे से रिवॉल्वर बरामद हुई तो उनकी तुरंत सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिली। कड़ी पूछताछ के दौरान उन्होंने वनलता का नाम उगला। इसके बाद वनलता के कमरे में छापा पड़ा, लेकिन पुलिस को वहाँ क्रांतिकारी साहित्य के अलावा और कुछ नहीं मिला। अदालत में भी वनलता पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर वनलता का नाम ब्रिटिश अफसरों की नज़र में आ चुका था और वे उन्हें हर गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। ज्योति कणा को हथियार रखने के जुर्म में 4 साल की सजा हुई। वनलता पर कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें 3 साल की कारावास की सजा दी। खड़गपुर के हिजली जेल में दोनों सहेलियों को साथ में रखा गया। उनसे अक्सर क्रांतिकारियों के बारे में पूछताछ की जाती, पर वे जुबान नहीं खोलती। उनका राष्ट्रप्रेम हर एक यातना से बढ़कर था। जेल में सही दवाइयाँ और ढंग का खाना न मिलने के कारण वनलता की तबीयत खराब होने लगी। उनकी बीमारी के चलते उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उन्हें घर में ही नज़रबंद करके रखा गया। अंग्रेज उन पर कड़ी नज़र रखते, कहीं वे क्रांतिकारी से तो नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से उन्हें घर पर भी उचित स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था। वनलता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था और फिर साल 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वनलता चाहती तो आराम से घर में रहते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रप्रेम को खुद से पहले रखा और अपनी बीमारी के बावजूद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रहीं। यह उनके जैसे वीर और वीरांगनाओं का बलिदान ही है जो आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। वनलता दास गुप्ता की तरह बहुत से ऐसे गुमनाम नायक नायिका हैं
जिनकी तस्वीर तक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्रांतिकारी महिलाएं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, लेकिन आप, हम और आप सब मिलकर ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं।